और सिक्स वीडियो सेफ्टी इंजीनियरिंग का रिलीज किया जा रहा है, जिसमें स्टोरेज ऑफ केमिकल्स और उनके लेबोरेटरी में रखने के उपाय, जहां स्टोरेज करेंगे वहां किस तरह से रखेंगे उसके बारे में केमिकल एजेंट्स के अंतर्गत बताया जा रहा है। रसायनों का भंडारण कम या ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। रसायन की प्रकृति का पता लगाकर, रसायन की द्रव रूप प्रकृति का पता लगाकर, सभी ज्वलनशील पदार्थों को एक साथ भंडार, रसायनों को बाहरी वातावरण के साथ प्रतिक्रिया, रसायनों के स्टोरेज में अग्निरोधी व्यवस्था, एक दूसरे में रासायनिक क्रिया करने वाले पदार्थों को अलग रखना, लीकेज की प्रकृति में तुरंत कार्रवाई करना, ये निम्न इम्पोर्टेंट वे हैं। भंडारण के स्थान पर हवा के आवागमन की व्यवस्था होना, विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थों में नियंत्रण की व्यवस्था, जिस धरातल पर रखा गया और धरातल केमिकल रिएक्शन से अप्रभावित हो, बिजली और रोशनी की व्यवस्था के चारों ओर सेफ्टी सिस्टम स्थापित करना जो कि अग्निरोधी और विस्फोट रोधी हो, भंडारण से पहले उनके प्रकृति का अध्ययन करना, एक दूसरे से प्रतिक्रिया करने वाले रसायनों से दूरी रखना, निरीक्षण करना, भंडारण में तैनात कर्मचारी को प्रशिक्षण, भंडारण में जो व्यक्तिगत रूप से लगा है उसे अग्निशमन, भंडारण में केमिकल्स को लेबलिंग करना, भंडारण में ड्रम को स्थापित करना, ज्वलनशील पदार्थों को संयंत्र से दूर रखना, उष्मा से प्रभावित रसायनों को सूट की उष्मा से दूर रखना, जो पानी से प्रभावित हो उसे खुली हवा में रखना, रेडियो रोधी पदार्थों को सीढ़ी की दीवारों वाले भंडारण में रखना। तो इस प्रकार इस वीडियो में केमिकल एजेंट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट वेट केमिकल्स के किस प्रकार स्टोरेज किए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में फिजिकल इंडस्ट्रियल एजेंट्स के अंतर्गत केमिकल एजेंट्स का जिक्र किया गया है।